आगे बढ़ते हैं। जयपुर ग्रेटर नगम मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को झटका लगा है। मेयर सौम्या गुर्जर को पद से हटा सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय किशन कौल ने आदेश दिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी न्यायिक जांच रिपोर्ट और कोर्ट ने 25 सितंबर के बाद ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 26 सितंबर को कोर्ट के आदेशों की मिल सकती है रिटर्न कॉपी और रिटर्न कॉपी मिलने के बाद सरकार सौम्या को कर सकती है बर्खास्त। राज्य सरकार की तरफ से डबल एजी मनीष सिंघवी ने पक्ष रखा। सौम्या की तरफ से सीनियर एडवोकेट रुचि कोहली ने पैरवी की। सरकार इससे पहले तीन अन्य पार्षदों को पहले ही बर्खास्त कर चुकी है। पार्षदों को भी सरकार ने न्यायिक जांच के आधार पर पद से हटाया। अब कम खर्च में छत पर पैदा हो सकेगी बिजली। केंद्र और राज्य के रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने की बड़ी कवायद। प्रदेश में जल्द ही सब्सिडी पर लगाए जाएंगे रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट। बतौर नोडल एजेंसी अजमेर डिस्कॉम ने फाइनल किए प्रोजेक्ट के टेंडर। कुल 55 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने के लिए टेंडर फाइनल किए गए हैं। जयपुर में 25 मेगावाट, अजमेर जोधपुर डिस्कॉम में 15-15 मेगावाट के प्लांट लगेंगे। 3 किलोवाट तक के प्लांट पर मिलेगी उपभोक्ता को 40% सब्सिडी, जबकि इससे ज्यादा क्षमता के प्लांट पर 20% सब्सिडी का प्रावधान है। और इससे छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने वाले जो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी का उत्सर्जन किया जाए, उनके लिए राहत की खबर है। क्योंकि सोचिए, जिसके लिए उनको 10 लाख रुपए खर्च करने थे, उसके लिए अब उन्हें सिर्फ 6 लाख खर्च करने होंगे। वो बाकायदा सोलर पैनल को अपनी छतों पर लगा पाएंगे और राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रही है। अब कॉलेज शिक्षकों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने यूजीसी के विनियम 2018 लागू। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। राजस्थान के डिग्री कॉलेज में लागू होंगी विनियम। इससे सरकारी कॉलेजों में करियर एडवांसमेंट स्कीम का फायदा मिलेगा। अभी तक केवल विश्वविद्यालयों में मिल पा रहा था इसका लाभ। कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर को ये लाभ मिल पा रहा था, लेकिन अब जो व्यवस्था की गई है उसके बाद कॉलेज शिक्षकों के लिए पदोन्नति के अवसर ज्यादा बढ़ते दिखाई दे। वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत है। सरकारी नौकरियों के आवेदन में 2 साल की छूट के प्रावधान को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। दरअसल कोविड की वजह से सरकारी सेवाओं में जो लोग आवेदन से वंचित रह गए थे, कार्मिक विभाग द्वारा सेवा नियम में छूट के लिए उनको प्रस्ताव भिजवाया गया। अधिकतम आयु सीमा के प्रावधान में संशोधन कर 2 साल की छूट दी गई। अब बेरोजगार युवाओं को इसका फायदा मिल सकेगा। जरा इस तरीके से इसको समझिए। मानिए, एक फॉर्म भरने के लिए कोविड से पहले आपकी आयु 35 साल होनी चाहिए थी। 2 साल का एक्सटेंशन यहां पर मिला है। अब जिसकी उम्र 37 साल के आसपास होगी, वो भी उस दायरे में फॉर्म भर सकता है। कोविड काल के दौरान बहुत सी समस्याएं आई, एग्जाम नहीं हो पाए, भर्तियां नहीं हो पाई, और इससे सबसे ज्यादा डर उन बेरोजगारों का था जिनकी उम्र अब एक्सटेंड कर गई। उन परीक्षाओं के लिए जिनके जरिए अपना भविष्य बनाना चाहते, उनके लिए बाकायदा ये बूस्टर डोज की तरह है। 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। राज्यपाल से भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है। खरीफ फसलों के चेकिंग अभियान में कृषि विभाग की सख्ती। 1.5 माह तक चलाया खरीफ फसलों के लिए चेकिंग अभियान। 7,214 खाद बीज दुकानों का निरीक्षण किया गया। इन दुकानों पर कृषि आदानों के 8,565 सैंपल लिए गए हैं। सबसे ज्यादा 3,998 सैंपल खाद के, 3,360 सैंपल बीज के लिए गए। 1,207 पेस्टिसाइड बेचने वाली दुकानों पर भी सैंपलिंग की गई। गड़बड़ी मिलने पर 40 दुकानों पर कृषि आदानों की बिक्री रोक दी गई है, जबकि 12 दुकानें ऐसी हैं जिन्हें अनियमितताओं के चलते सीज कर दिया गया। इनमें खाद की 7 दुकानें हैं, बीज की 3 दुकानें हैं, पेस्टिसाइड की 2 दुकानें हैं, जिनको निलंबित कर दिया। वहीं खाद की 6, बीज और पेस्टिसाइड की 1-1 दुकानों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया।
363 अन्य दुकानों पर कृषि विनियमन उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जरा सोचिए, तीन चीज, खाद, बीज और इसके अलावा पेस्टिसाइड, ये तीनों वो चीजें हैं जिनके जरिए किसान अपने भविष्य को सिक्योर करता है। अब सोचिए, किसी को अगर बीज ही खराब मिलेंगे तो उसकी कितने महीने की मेहनत जमीन पर खेत में खराब हो जाती। जरा सोचिए, कोई खाद ऐसा मिला जिसका असर ही नहीं हुआ तो कीड़े फसलों को खा जाते हैं। पेस्टिसाइड की गुणवत्ता सही नहीं हुई तो भी फसल को नुकसान होता है और जिस मकसद से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाए वो पूरा नहीं होता और तीनों ही स्थिति में किसान की खून पसीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है। और ऐसे में जो कार्रवाइयां की गई है उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि जो बाकी की दुकानें हैं वो किसानों को बेहतर बीज, बेहतर खाद, बेहतर पेस्टिसाइड प्रोवाइड करेंगी। वहीं लंपी रोकथाम को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री गहलोत दवा खरीद के लिए आवंटित किया गया बजट, लंपी से लड़ने के लिए जिलों को दवाइयों के लिए 4,83,00,000 का बजट दिया गया। विभाग ने अपने स्तर पर दवा खरीद बजट का आवंटित किया है। अजमेर को 20,50,000 रुपए, नागौर को दिए गए हैं 32,50,000 रुपए, भरतपुर को 13,50,000 रुपए, बीकानेर को 31,00,000 रुपए दिए गए हैं, चूरू को 23,50,000 रुपए दिए गए हैं, श्रीगंगानगर को 24,50,000 रुपए दिए गए हैं, हनुमानगढ़ को 14,50,000 रुपए दिए गए हैं, जयपुर को 25,50,000 रुपए दिए गए हैं, अलवर के खाते में 12,00,000 आए, झुंझुनू के खाते में 19,50,000 रुपए आए, सीकर के अंदर दवा खरीदने के लिए 13,00,000 रुपए दिए गए हैं, जोधपुर 35,00,000 रुपए, बाड़मेर को 40,50,000 रुपए, जबकि जैसलमेर को 43,50,000 रुपए। ये समझने की जरूरत है, दरअसल ये पश्चिमी राजस्थान है। आपको ध्यान होगा सबसे ज्यादा गोवंश को जहां नुकसान हुआ है, जहां संक्रमण सबसे ज्यादा फैला, वो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है। और इसीलिए जब हम बात जोधपुर की करते हैं, बाड़मेर की करते हैं, जैसलमेर की करते हैं, तो बाकी राज्यों से कई गुना ज्यादा यहां बजट आवंटित किया गया। और उसके पीछे की वजह यही कि यहां लगभग हर गोवंश के अंदर लंपी का संक्रमण दिखाई दे रहा है। जब इससे थोड़ा अलग होते हैं तो जालौर के अंदर लगभग 30,29,50,000 रुपए दिए गए हैं, सिरोही में 10,50,000 रुपए दिए गए हैं, उदयपुर के अंदर 22,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि राजसमंद को 12,38,000 रुपए दिए गए हैं। सभी अन्य जिलों को 10,00,000 से कम का बजट आवंटित किया गया है। हालांकि अब कॉनफेड के स्तर पर भिजवाई जा रही दवा खरीद का। और बात करते हैं पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की, क्या वाकई में उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेजों के स्टूडेंट्स की पीड़ा है। सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। साल 17-18 के डिग्री कोर्स को पूरा करने के बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। किसी भी सरकारी भर्ती के लिए RPMC में रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी है। इस दौरान स्टूडेंट का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है। RPMC में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए प्रयास की गुहार लगाई गई है, लेकिन ना तो कॉलेज प्रशासन और ना ही यूनिवर्सिटी प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है। ऐसे में यकीनन सवाल गंभीर है कि आगामी भर्तियों से वंचित होने के चलते स्टूडेंट्स की भविष्य पर संकट, और इसलिए वो नाराजगी खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। विधानसभा के गलियारों से बड़ी खबर, राजस्थान की कांग्रेसी सियासत का बड़ा केंद्र बना डॉक्टर CP जोशी का चैंबर। स्पीकर डॉक्टर CP जोशी के कक्ष में चल रही कांग्रेस नेताओं की बैठक, पिछले 1.5 घंटे से चल रही राजनीतिक चर्चा। CP के कक्ष के बाहर खड़े हुए राजस्थान कांग्रेस के विधायक CP जोशी के साथ पायलट हैं रघु शर्मा हैं, प्रताप सिंह खाचरीवास और धर्मेंद्र राठौर मौजूद, महेश जोशी, दानिश अब्रार और राजेंद्र राठौर भी CP जोशी से मिले। मंत्री ममता भूपेश ने भी CP जोशी से मुलाकात की है। दरअसल सचिन पायलट ने किया था रघु शर्मा को फोन, तब रघु शर्मा ने कहा अध्यक्ष के कक्ष में हूं, वहीं आ जाइए।
इसके बाद सचिन पायलट पहुंचे सीपी जोशी के कक्ष में। सीपी जोशी के चैंबर में ही हल्का लंच किया सचिन पायलट। क्या 2024 में कांग्रेस का चेहरा होंगे अशोक गहलोत? राजस्थान के जादूगर गहलोत के रूप में मिला चेहरा। आजादी के बाद कांग्रेस के वो 14वें गैर गांधी अध्यक्ष होंगे। गैर गांधी की अगर बात की जाए तो गिनते जाइए जेपी कृपलानी, बी पट्टा भी, सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, यूएन ढेबर, एन संजीव रेड्डी, के कामराज, एस निजलिंगप्पा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, डी के बरुआ, के बी रेड्डी, पी वी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी ये अध्यक्ष रह चुके। हालांकि आजादी के बाद पिछले 71 सालों में 41 साल नेहरू गांधी परिवार के सदस्य ही अध्यक्ष रहे। नेहरू गांधी परिवार से अब तक कुल 5 लोगों ने अध्यक्ष की कमान संभाली। ये नाम लगभग सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनके पास अध्यक्ष की कमान रही। लेकिन इतने सालों में कभी कांग्रेस की आज जैसी स्थिति नहीं रही। ऐसे में सचमुच गहलोत के सिर बंधने जा रहा एक कांटों भरा ताज, क्योंकि आज पूरे देश में सिर्फ 2 ही राज्यों में कांग्रेस है, 1-2 राज्यों में गठबंधन के साथ। ऐसे में गहलोत के सामने एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत करने की चुनौती है। देशभर में फिर गांधी परिवार और कांग्रेस का खोया वजूद लौटाने की चुनौती है। और यह संभवतः 27 सितंबर को गहलोत भरेंगे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन, और निर्विरोध की स्थिति में 30 सितंबर या चुनाव लड़े तो 19 अक्टूबर को संभाल लेंगे अध्यक्ष का चार्ज।